हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं अभी धो रहा हूँ गाड़ी और इसको क्लीन करके अभी हम लोग को निकलना है गांव की तरफ। तो चलो गाड़ी धोते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग बस गांव के लिए निकल गए हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे गांव, चलते हैं और वहां मिलते हैं। दादा जी भी साथ में हैं, आज उनके हाथ में लग गया तो ड्रेसिंग कराने भी गए थे उनकी। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे गांव। इधर से हमारे पीछे का घर दिखता है, आप लोगों को नहीं दिखेगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो जो दिख रहा है वो हमारे पीछे तरफ से दिखता है घर, और इधर अभी सब सपाट हो चुका है, प्लॉटिंग हो गई है, नहीं तो पहले इधर भी खेत होते थे। ये है अपने गाँव की सरकारी स्कूल, जिसमें पढ़ाई कम खाना ज़्यादा होता है, जिसको बस की तरह बना दिया गया है। यहाँ पे लड़के बैठते हैं। ओके, तो अभी आ गए हैं और ये है अपना घर जो गांव वाला है, और ये है अपनी पार्किंग। इधर भी पार्किंग हो गई और अभी ताला लगा है, हमको जाना है की लेने। की लेके आते हैं, खोलते हैं, फिर अंदर चलते हैं, वहाँ के टूर देता हूँ। तो चाबी जाएंगे मैं और दादा ही दोनों, फिर उसके बाद वैसे तो मेरे को अकेले जाना पड़ता, बट अभी कंपनी देने दादा ही जाएंगे साथ में, तो चलते हैं। ये है रघुनाथ दादा का घर, ये दादा जी के बेस्ट फ्रेंड है बचपन से। हाँ, एक मिनट। ओके गाइस, तो अभी मैं आ गया हूँ और यहाँ पे हमको जाना है, इसमें मैं जाके की लूँगा। अभी हम लोग थोड़ा रघुनाथ दादा के पास बैठे थे, वहीं पे थोड़ी बहुत बातें हो रही थी और अपना अनुभव शेयर कर रहे थे ये लोग। बस अभी आए हैं, चाबी लेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे। चलो, तो ये है ऑर्गेनिक खाना गाँव का, दादा ही बढ़िया बैठ के खा रहे हैं। ये हैं भाभी, कहती हैं आप अंदर थोड़ी पंचायत कर ले ही। मैं खाना खा के आता हूँ, फिर उसके बाद पंचायत मारते। मैं और भाभी हमेशा से वहाँ पे, वो भाभी रोटी बनाती रहती थी और मैं बैठ के आराम से खूब पंचायत मारते थे। अभी अब कम आता हूँ, नहीं तो पहले बहुत आता था, तो मैं हमेशा यहीं आता था खाना वाना खाते थे। तो बस चलते भी खाना खाते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम घर में आ चुके हैं और इधर पे पूरा मतलब चारों तरफ फैल चुका है, ये क्या कहते हैं उसको, हमारे यहाँ इसको गाजर घास कहते हैं, और गाजर घास उग के प्रॉपर ग्रीन हो के और अभी सारी सूख भी गई है। तो और इधर पे ये लकड़ियाँ वगैरह रखी हैं, क्योंकि कोई आता नहीं है ना, तो इसलिए इस तरह ऐसा सब हो गया। अभी हम इसको क्लीन कराएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कैसा क्या बनता है। और अंदर भी दिखाता हूँ मैं आपको, हर जगह पूरा गंदा हुआ पड़ा है। ये वाला तो आप लोगों को मैं पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था, इधर पे भी ऐसा ही पूरा अंधेरा छाया हुआ है, वो जो बताया था हॉरर टाइप का। इधर पूरा फुल मूवी बन सकती है। फिर अगेन यहाँ पे बस यही सब है, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ थी उनको तोड़ दिया गया है क्योंकि वो टूट गई थी। बाकी आप लोगों को पता ही है कि गांव में क्या क्या है, और जैसे ही मैं आता हूँ अभी कुछ दिन में गांव, फिर से मैं आने वाला हूँ रहने, पूरे गांव के व्लॉग्स आएंगे, तो आप लोग बने रहो हमारे साथ और देखते हैं अभी आगे हम लोग क्या करते हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे तो फिर वहाँ अभी बच्चे मिलेंगे, तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत खेलना कूदना जो है वो मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, अभी देखते हैं कोई अगर मिलता है घर साफ करने के लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल हमको सुबह आना पड़ेगा। ओके गाइस, तो अभी सीन ये है कि अभी घर में सफाई चल रही है और मैं बाहर आ गया हूँ और मेरे को मिल गया है पीयूष, तो अभी हम लोग इसकी फोटो खींचेंगे और थोड़ा बहुत मजे करेंगे। अभी मैं सबसे पहले फेस वॉश करूंगा क्योंकि पूरे दिन से वही डस्ट लग लग के पूरा फेस खराब हो गया। चलते हैं, फेस वॉश करते हैं और फिर उसके बाद फोटोग्राफी थोड़ी बहुत करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं तालाब के पास, यहाँ पे थोड़ा लोकेशन अच्छी है और यहाँ पे फोटोज अच्छी आएंगी। अभी सनसेट भी हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट कैसा लग रहा है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे व्लॉग बनाया था तो उस टाइम पे सनराइज दिखाया था, इस टाइम पे अभी मैं एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे व्लॉग बनाने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मैं अभी हूँ तो आता ही रहूंगा, तो आपको पीयूष दिखता रहेगा। इसका नाम पीयूष है, अगेन एंड अगेन यू शुड नोटिस दैट। एंड अभी यहाँ पे सनसेट हो रहा है, बस अभी हम लोग यहाँ से लाइटिंग आएगी और फोटो अच्छी आएगी, तो बस चलते हैं। तो अभी सबसे पहले सनसेट को बैकग्राउंड लेते हैं और फोटो खींचते हैं, फिर उसके बाद सनसेट को फेस करेंगे और फिर उसके बाद फोटो खींचते हैं, देखते हैं कौन सी लाइटिंग ज्यादा बेस्ट आती है और उसी के बाद फोटो खींचते हैं। यहाँ तरफ थोड़ी ये सब बना हुआ है लकड़ी के घर, हमारे यहाँ इसको मड़ैया कहते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए थोड़ा इंग्लिश मतलब अलग लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। और ये वाला, इसमें भी ये लोकेशन एक अच्छी बन सकती है, इसमें अच्छी फोटो आएगी, तो देखते हैं कितनी कैसी फोटो आती है। मैं कुछ फोटोज इधर पे डाल दूंगा, मेरी भी और पीयूष की भी।
ओके गाइस, तो अभी फोटोज वगैरह हो गई हैं और क्या, हाँ, और कल हमारे गांव में आग लग गई थी और उसमें सब कुछ जल के, अरे नहीं यार, वो घर में मैं अभी देख के आया हूँ पता है, और उसमें कुछ बचा नहीं है। इस तरह आग गांव वगैरह में लगती है और उसमें एक आदमी जिंदा जल गया है, तो अभी ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। तो अभी ये पहली बार हमारे यहाँ हुआ है, पहली बार हुआ है ना कि कोई अंदर जल गया है। एनी हाउ, तो अभी ये टॉपिक को चेंज करते हैं और हम लोग की फोटोज हो गई है और उसमें अभी थोड़ी बहुत एडिटिंग करके फिर उसके बाद पीयूष को दूंगा और पीयूष खुश हो जाएगा। तो पीयूष कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा पीयूष इतना ही बोलता है, बहुत अच्छा लगा। तो घर की सफाई हो चुकी है, थोड़ी बहुत बचा है और फिर उसके बाद इसको फेंकना बस पड़ेगा। तो ये करने के बाद अंधेरा हो जाएगा, तो अभी हम लोग को निकलना है। दादा ये लोग लगे हुए हैं अपने काम में, खेल रहे हैं अपना दोस्तों के साथ। और हमारे गांव में जो टाइम पास करने के लिए जो बड़े लोग करते हैं या जो हमारी उम्र के, हमारी उम्र से थोड़ा बड़े, तो वो लोग ये करते हैं, दहला पकड़, इस गेम का नाम है, ताश है इसको, और इसी तरह जुआ भी खेला जाता है, बट ये जुआ नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं और ये सब मेरे को परेशान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये वाला गाने लगाओ, ये वाला गाना लगाओ और कहीं कुछ वहाँ पे भैया लोग सब कोई वो कर रहे हैं ना, खेल रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ टाइम पास करते। तो ये लोग मेरे को बोल रहे हैं वो गाना लगाओ, बचपन का प्यार बोल ले जाना, तुम लोग गा के सुनाओगे? चलो आओ, ये लोग अभी गाना सुनाएंगे जब तक मैं इसको पॉज करता हूँ। हाँ चलो सुनाओ, सब कोई आगे इधर आ जाओ, सब कोई सामने आओ, आगे इधर आओ, सबको इधर आओ। हाँ अब गाओ, जाने मेरी जाने बचपन का प्यार, मेरा भूल नहीं जाना रे, दसा मेरा प्यार है, प्यार तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चलो बस 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 हो गया, चलो तुम लोग वीडियो देखते हो हमारी, किसको पता है कि हमारा वीडियो कहाँ आता है? पता है किसी को नहीं पता ना, तुम लोग तो फिर क्या मतलब तुम्हारे वीडियो आने का, तुम लोग वीडियो में तो आ गए लेकिन देखोगे कैसे, कहाँ हो तुम लोग? हम लिंक भेज देंगे, ठीक है, पीयूष भैया से पूछना, वो जानता है, ठीक है। अपना अपना नाम बताओ, चलो तुम्हारा नाम क्या है? प्रियंका मिश्रा, पावनी मिश्रा। तुम दोनों बहन बहन हो ना? यस। ये इसका भाई दुर्गा नाम, दुर्गा मिश्रा। हाँ, तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम? पूरा नाम बताओ। मंग मिश्रा, आर्यन मिश्रा। तुम बताओ? अनितेश मिश्रा। सब यहाँ पे मिश्रा ही मिश्रा है और मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा। यहाँ पे मैं अभी डेली आने वाला हूँ, तो इन लोगों को आप लोग देखते रहोगे, इन लोगों का नाम इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया हूं, ये लोग मिलते ही रहेंगे, रोज मेरे को परेशान करने आ जाएंगे, तो मिलते हैं। चलो अभी थोड़ा बहुत स्नैक्स खाते हैं, हमारे यहाँ की पसंद नमकीन बहुत ही फेमस है और ये हमेशा यहाँ पे मिलती है और मैं बहुत बचपन से खाया भी हूँ, और मुनाको इज माय फेवरेट वन। बहुत देर से हम लोग इधर उधर मस्ती कर रहे थे, अभी आप लोग थोड़ा देर पहले ही देखे हो कि मैं, बिट्टू, भैयू और पीहू तीनों लोग खेल रहे थे। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा गाना सुनने आए हैं। बिट्टू किधर हो? बिट्टू तो यहाँ छुपी हुई है, कुछ बोलना है बिट्टू? क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना, बोलो पानी पी लो गाइस, बोलो पानी पीने, बोल दो पानी।
हाँ, और तुम गन दिखा रहे हो, गन नहीं दिखाओ। हाँ, तुम बिट्टू क्या बोलोगी? बिहू शर्मा रही हो। नहीं, बस मैं ये जरूर बोलूंगी कि हाउसफुल वाले वो 3 pigeons मुझे। अगर आप लोग हाउसफुल वाला वो जो 3 pigeon वाला आइडिया नहीं है क्या बोल रही है, तो आपको मेरे पुराने ब्लॉग्स में जाना पड़ेगा। मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा, वो जाओ और वो देखो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन है, क्या बोल रही है। और वो पिजन तो मुझे भी नहीं दिखे हैं। तो कोई नहीं, अभी हम लोग ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।